Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो सब गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है बीएस और आप देख रहे हैं बीएस टेक्निकल यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन ट्रेन सिम या सिमुलेटर जो भी बोल सकते हैं आप, दोस्तों जो गेम निकल के आई थी 2 महीना पहले, मैं भी एक वीडियो बना दिया था उसके ऊपर दोस्तों। उसकी वीडियो में आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, एक फ़ोटो देख रहे हैं, एक फोटो उस गेम का है दोस्तों। ये जो गेम मैं भी एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उस गेम का बारे में आज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कब रिलीज होने वाला है, कब इस गेम को मतलब रिलीज करने वाला है, कब इस दोस्तों इस गेम को मतलब क्या मैं एंड्रॉयड में के लिए आ रहा है या पीसी के लिए है दोस्तों, सारी बात आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं आए तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत सारा यूट्यूबर मतलब बहुत सारा यूट्यूबर फेक वीडियो बना रहा है इस गेम के ऊपर, उन लोग बोल रहे हैं कि इस गेम को एंड्रॉयड में प्ले कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों नहीं है दोस्तों, एंड्रॉयड में प्ले नहीं कर सकेंगे। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उनकी तरफ से दोस्तों। इस गेम का डेवलपर का नाम है नीलकंठ स्टूडियो, ठीक है गाइस। इस गेम का डेवलपर का नाम है नीलकंठ स्टूडियो। इन्होंने इसका उनको फेसबुक जो है उनके पेज में मैं मैसेज किया था कि एक जो गेम है मतलब एंड्रॉयड के लिए आने वाला है या पीसी के लिए वाला है, पीसी के लिए आने वाला है, लेकिन दोस्तों एंड्रॉयड में जो है गेम लोड नहीं हो सकेगा, ठीक है गाइस। ये गेम जो है पीसी के लिए आने वाला है, आप उसका प्रूफ देख लीजिए। मैं आपको इमेज जो दिखा देता हूँ मैसेज का, तो गाइस ये रहा वो प्रूफ दोस्तों। मैं पूछा था कि ये गेम जो है, तो उन्होंने बताया कि दोस्तों बहुत ही बड़ा ग्राफिक हाई ग्राफिक्स का गेम होने वाला है। तो यार दोस्तों ये जो गेम एंड्रॉयड के लिए नहीं है दोस्तों, ये पीसी के लिए है। तो दोस्तों आपको तो इसका आंसर मिल गया होगा कि ये पीसी के लिए है गेम। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों पीसी के लिए है तो कितना रैम चाहिए पीसी को और कितना सीपीयू चाहिए। तो गाइस चलिए बता देता हूँ। तो गाइस मैंने पूछा था कितना रैम और कितना सीपीयू चाहिए, उन्होंने बताया एटलीस्ट 4 कोर सीपीयू और 8 GB रैम चाहिए अगर आप इस गेम को चलाना चाहते हैं, तो इतना मतलब मिनिमम चाहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस और भी आपका अगर क्वेश्चन है तो आप उसकी फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और गाइस मैंने भी एक फेसबुक पेज बनाया है, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। और दोस्तों मैंने भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है न्यू सा दोस्तों, उसमें फॉलो कर दीजिएगा ताकि मैं हर संडे को आपके साथ फेस रिवील कर सकूँ और फेस लाइव कर सकूँ, ठीक है गाइस। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को भी यार लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और लाइक कर दीजिए।